रियाज के पिता अहमद चौधरी भड़के हैं तेजस्वी प्रकाश पर, आखिर क्यों, किस वजह से, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। वेल, अब बात करते हैं बिग बॉस सीजन 15 के कंटेस्टेंट तेजस्वी प्रकाश के। बीते एपिसोड में ही हमने देखा कि कोई भी तेजस्वी और करण के सपोर्ट में नहीं था, हर कोई शमिता शेट्टी के लिए खेल रहा था और शमिता शेट्टी घर की नई कैप्टन बनी। वेल, अब इसी बात से उमर रियाज के पिता अहमद चौधरी बहुत खुश हैं। वेल, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई तेजस्वी को कर्मा वापस मिला है। और जैसा कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तेजस्वी को ऐसा लग रहा था, तेजस्वी जब उमर इविक्ट हुए, जब उनको घर से बेघर किया जा रहा था, तो वो हंसती हुई नजर आई थी, उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उमर घर से बेघर हो चुका है तो अब करण कुंद्रा जो है पूरा कंट्रोल में है मेरे। और इसी के साथ अहमद चौधरी ने आगे लिखा कि तेजस्वी के जो सो कॉल्ड फ्रेंड है निशांत, वो भी कल शमिता शेट्टी के लिए खेले, जिससे कि तेजा और करण का पत्ता वीआईपी से साफ हो जाए। क्योंकि यहां पर निशांत और प्रतीक को भी पता था कि अगर हम शमिता के लिए खेलते हैं तो वो करण या तेजा में से किसी एक का पत्ता साफ करेंगे। इसी वजह से सभी कंटेस्टेंट जो हैं शमिता के लिए खेलते हुए नजर आए। अब यहां पर लास्ट में उमर रियाज के पिता ये भी कहते हुए नजर आए कि अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वेल, अब ये बात तेजस्वी के लिए कहीं ना कहीं तो सही कहते हुए नजर आए। खैर, अब ऐसे में आपको बता दें कि वाकई में जब उमर रियाज इविक्ट हुए थे तो उस वक्त पे तेजस्वी के चेहरे पर स्माइल थी, कहीं भी कोई भी शिकन नहीं थी, कोई गम नहीं था कि उमर घर से बेघर हो गए। हालांकि करण फूट फूट कर रोते हुए नजर आए, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर एक भी शिकन, एक भी वो गिला शिकवा नहीं था और यहाँ पर वो बहुत ही स्माइल करते हुए नजर आई थी और खुश थी। बल्कि वो करण को कह रही थी कि मैं हूं ना, उमर नहीं है तो क्या हुआ। अब इसी बात से अहमद चौधरी नाराज थे, उन्होंने बोल दिया है सीधे कि भाई कर्मा लौट कर जरूर आता है। वेल, आपको क्या लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिग बॉस सीजन 15 के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।